मैं तुम्हारी दुविधा जानता हूं, लेकिन बिना किसी डर, दुख या आत्मग्लानी के आगे बढ़ो और अपनी नियति स्वीकार करो। ये याद रखो कि कुछ भी अकारण नहीं होता है। सौरभ जी, आइए। यही है मेरे साईं। सौरभ जी, संतान की बीमारी किसी को भी डर और आशंकाओं से घेर सकती है, तुमने इन्हें यासदीन के बारे में कब बताया? मैंने कब बताया सौरभ जी? मैं तो आपके साथ ही आ रहा हूं। साईं के दर्शन किए हुए तो मुझे कई साल बीत चुके हैं, कई साल बीत चुके हैं तो इन्हें राधिका की शादी के बारे में कैसे पता? ये तो आपके भक्त है, लेकिन मेरी यासदीन के बारे में आपको कैसे पता? आप तो मुझे जानते भी नहीं। पर मैं जानती हूँ इन्हें पापा, ये भी जानते हैं, यही तो वो दोस्त है जिनसे मैं शिरडी आकर मिलना चाहती थी। लेकिन तुम इनसे कहाँ मिली? अच्छा लगा तुमने मुझे अपना दोस्त माना, वरना लोगों की तो उम्र गुजर जाती है रिश्ता बनाने में। तुमने बहुत जल्द अपनाया मुझे। अगर आप सब कुछ जानते ही हैं साईं, तो कोई इलाज बता दीजिए। यासदीन को इस हालत में अब और नहीं देख सकती मैं। मालिक सब पर मेहर करता है, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए। रोज रात को इनमें से एक शीशी का घोल पानी में मिलाकर इसे पिलाना है। अठारह दिन तक आपको यह करना है और तब तक आप सब शिरडी में ही रहेंगे। 18 दिन? 18 दिन तो बहुत ज्यादा है, दुकान को भी तो देखना है, और इस इलाज से यासदीन ठीक होगी इसका भी तो कोई भरोसा नहीं। एक बार आजमा लीजिए सौरभ जी। पापा, क्या आप मेरे लिए भी नहीं रुक सकते? अगर इन 18 दिनों में मैं ठीक हो जाती हूँ तो क्या आप ये 18 दिन मुझे नहीं दे सकते? यासदीन, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 18 दिन ना दिए तेरे लिए। राम साहब। राम जी भला करें। साईं, आपने जो मेहमानों के रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा था वो हो गई है।
सौरभ जी, आप इनके साथ जाइए, आपके रहने की व्यवस्था हो गई है। देखा सौरभ जी, साई को पहले से पता था कि आप आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है। याज़दीन थक गई होगी, उसे आराम की जरूरत है, चलता हूं। चल बेटा, चलो। साईं, सौरभ जी को आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन बच्ची की खातिर मैं उन्हें यहां लेकर आया हूं। याज़दीन ठीक तो हो जाएगी ना? नीलकंठ, दवा का अपना असर होता है और विश्वास का अपना असर। अगर मन में विश्वास होगा तो सब ठीक होगा, बाकी अल्लाह मालिक। बच्चा नासमझ है, गलती हो जाती है। अगर तुम्हारा किसी भी प्रकार से अनादर हुआ है तो उसकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। ये कोई दवा तो लग नहीं रही है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे गंदा पानी भर दिया हो किसी ने।
ये मैं अपनी बेटी को तो नहीं पिला सकता हूं, कहीं वो बीमार पड़ गई तो। या अल्लाह, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो क्यों दे रहा है इसे? आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? हमारे लिए न वक्त की अहमियत है न जगह की, बस हम तो हर वक्त अपने मौला के तसव्वुर में खोए रहते हैं, जगह जगह उन्हें तलाशते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। या मेरे मौला, सब पर रहम कर, सबको अपनी पनाहों में ले, सबके गुनाह माफ कर मेरे मौला। लेकिन तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? पानी दिया था किसी ने दवा बोलकर, पर ये तो खराब पानी है इसलिए इसे फेंक रहा था। यह अच्छा है या खराब है इसका पता तो तब चलेगा ना जब ये आजमा कर देखा जाए। आधे अधूरे मन से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से ईश्वर नहीं मिलता है, खुद को समर्पित करना पड़ता है पूरी तरह से। या मेरे मौला, सब पर रहम कर, सब पर अपनी दुआ कर, सबको अपने पनाहों में ले, सबके गुनाह माफ कर। यही तो वो दोस्त है जिनसे मैं शिरडी आकर मिलना चाहती थी। इस इलाज से यासदीन ठीक होगी इसका भी तो कोई भरोसा नहीं। एक बार आजमा लीजिए सौरभ जी। इतने लोग अंधविश्वास करते हैं साई पर, इसलिए मुझे भी करना जरूरी है? या मुझे एक बार सबकी बात मानकर आजमाना चाहिए? जैसे अभी उस फकीर ने कहा, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं साई बाबा पे यकीन करके अपनी यासदीन की जान खतरे में नहीं डालना चाहता हूं। पता नहीं किस चीज का घोल बना के दे दिया, प्लेग भी फैला है। ये मेरे राम जी की देन है।
मैं इसे जाया नहीं होने दे सकता। राम जी भला करें। मैं वैद की दवा साथ लाया था, इसे इन शीशियों में भर के यासदीन को दूंगा। इनसे फायदा नहीं हुआ तो कोई नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। खंडोबा, दो दिन बाद श्रीपद और राधिका का विवाह है। सबसे पहले निमंत्रण आपको। आपके आशीर्वाद के बिना ये विवाह संपन्न ही नहीं हो सकता। आप जरूर पधारिएगा। भगवान को निमंत्रण की अक्षत देने की रस्म पूरी हो चुकी है। अब मैं खंडोबा के अभिषेक की तैयारी शुरू करता हूं। जी राधिका, अब भी इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो सच बोलने की बेवकूफी तो नहीं करना चाहती है? तुम जानते हो ना उसका परिणाम क्या होगा? उस परिणाम का जो असर मेरे बेटियों के भविष्य पर पड़ेगा, समझ लो मेरी अकाल मृत्यु का कारण होगा वो। आप चिंता मत कीजिए भाऊ, वैसे भी शादी में सिर्फ दो ही दिन बचे हुए हैं, उसे मौका ही नहीं मिलेगा। उसे मौका ना मिले ये मैं सुनिश्चित करूंगा। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। श्रीपाद, राधिका, तुम दोनों एक काम करो, जब तक तुम्हारे आई बाबा खंडोबा जी का अभिषेक करते हैं, तुम दोनों शनि मंदिर जाकर उनके भी दर्शन कराओ। लेकिन जल्दी क्या है, अभिषेक के बाद सब एक साथ चलेंगे, हमें भी दर्शन हो जाएंगे। साई ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। हम शिरडी वाले साई की बात को कभी नहीं टालते हैं। जाने दीजिए दोनों को, ज्यादा दूर भी नहीं है। जाओ बच्चों, दर्शन करके आओ। Thank you.
नीलकंठ नहीं समझता है, बेवकूफ। रोका भी नहीं। अगर इस लड़की ने अपनी शिक्षा के बारे में सच बोल दिया तो हो गया। फिर तो मुर्गे को लगता है कि अगर वो बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा। पुरानी कहावत है। ये साई ऐसा क्यों बोल रहा था? कहीं इसका इशारा मेरी तरफ तो नहीं था? ये रास्ता हमारे खेतों की ओर जाता है। वो हमारे गांव का कुआं है। वहां पास में बेर का पेड़ है। बचपन में हम हर दिन उस पर चढ़कर बेर खाते रहते थे। बचपन से ही मुझे खेती का बहुत शौक था। बाकी बच्चे पाठशाला जाते थे और मैं खेतों में। यहाँ पास में अस्पताल भी है। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है साईं, ताकि मैं श्रीपाद को सच बता सकूं। लेकिन ये तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, खुद ही बोले जा रहे हैं। लो, आ गया शनि मंदिर। कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ कहो अपने बारे में। देखो, यही मौका है शादी से पहले बात करने का। इसके बाद तो सीधे शादी होने के बाद ही बात कर पाएंगे। बताओ कुछ अपने बारे में। सच कहने का समय आ गया है। एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। राधिका, जल्दी करो बेटी, वापस सब इंतजार कर रहे हैं। काका, आप यहाँ? मैंने सोचा मैं भी लगे आज शनिदेव के दर्शन कर लूं, और फिर चिंता भी तो हो रही थी तुम्हारी। आप दर्शन कर लीजिए, हम यहीं पे हैं। दर्शन तो बाहर से ही हो गए, चलो साथ चलते। जी काका।